लो जी सर, एक काम कर भाई, बगल के बाल भी सूत दे। धोखा? अबे मैंने तो तुझे सिमरन कौर समझा, तू तो सिमरन प्रीत निकला। भैया कटिंग तो सही हुई है, बाल थोड़े से और छोटे कर दो साइड से। और छोटे? हाँ। भैया आपके सैलून में तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं। हाँ पता है। भैया नंबर दिलवा दो ना। हट। अच्छा बात तो करा दो। अच्छा पका रहे। मैम यू कॉल सडन, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। अरे तो जा रही है तो यहाँ काम थोड़ी करती है, अपने घर जाएगी ना। भैया एक सेकंड। भैया रखना जरा प्लेट में। भाई साहब ये क्या किया आपने? भैया मैं कटिंग करवा रहा हूँ, खुद तो उठ के जा नहीं सकता, तो मैंने अपनी आंखें भेज दी, अब उसको सेफली घर तक भी छोड़ के आएंगे और आके इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। भाई साहब आंखें आ गई देना। भैया मकान नंबर 6 गली नंबर 16 रेड कलर का गेट है, घर पे दो बाप, एक माँ, एक छोटी बहन, एक बड़ा भाई और एक बड़ा कुत्ता है, और एक स्कूटी भी है, एक्टिवा 5G रेड कलर, DL10 CT7251। अरे बाबा मैंने आप जैसा टर्की कभी नहीं देखा बाबा। थैंक यू भैया। अरे सेठ जी आप बनियान में, आप तो मोहल्ले का सबसे करोड़पति इंसान है। है नहीं थे। थे मतलब? अंदर जाओ पता लग जाएगा। वेलकम सर। वेलकम सर। कटिंग कर दूं? भैया कटिंग तो मैंने हफ्ता पहले कराई थी, ये दो वाइट बाल दिख रहे हैं ना, बस वो काट दो। शेव कर दूं? भैया शेव तो मैंने 2 दिन पहले कराई थी, ये दो ब्राउन बाल दिख रहे हैं ना, बस वो काट दो। सर फेशियल कर दूं? भैया फेशियल तो मैं भी अभी करा के आया हूँ, बस हल्की जल्दी क्रीम लगा दो यहाँ पे। यस सर। सर मसाज कर दूं? भैया वैसे मैं लड़कों से मसाज कराता नहीं, बट हल्के हल्के कंधे दबा दो। सर बिल करवा दूं? करा दो। सब कुछ हल्का हल्का कराया, 100-200 रुपए का बिल आया होगा। बता बेटा कितना बिल आ गया? 100-200? 2 लाख। 2 लाख? अबे 2 लाख का बिल कैसे आ सकता है, मैंने तो बस थोड़ा थोड़ा कराया, मैं तो तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिए तो? तो पहले थोड़े थोड़े हाथ कटेंगे, फिर थोड़े थोड़े पैर कटेंगे, फिर तो पूरा ही कटेगा। मैं नहीं डरने वाला तेरे तो कोई धमकी से, समझा? मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे माजिद परसों मोहल्ले में चोरी हुई है, पता है किसने करी है? अरे बिल्कुल पता है मालिक, बिल्लू सांडा ने चोरी करी है, और सुनने में आया भाटिया जी के पास किराए पे रह रहा है 6,000 रुपए महीने में, और जो चोरी की चेन उसने चुराई थी ना तो उसने भल्ला ज्वेलर पे जाके बेची 8,700 रुपए की। मेरे को तो उसका ब्लड ग्रुप भी पता है, बताऊं क्या? अच्छा जी। हाँ भाभी जी आपका पति एक नंबर का लौंडियाबाज है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है सुनीता जी को पार्क में पप्पी करते हुए, और तो और सुनने में ये भी आया कि मोहल्ले में जो 2 पागल बच्चे हैं ना वो उसी के हैं। डॉक्टर साहब माता जी को ही तो नहीं लेके जाता वो हॉस्पिटल दिखाने। पर क्यों? अरे उसको बवासीर है ना। पर मुझे तो पता था खांसी जुकाम है। अरे खांसी जुकाम नहीं है, मैंने खुद देखा था उसको, दीवार के सामने खड़ा था, इस पे लिखा होता है बवासीर मिटा है 2 दिन में। पर कुछ नहीं गई पिंकी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तेरी क्लास में रोन है? हाँ। तेरे से ज्यादा लंबा है? हाँ। तेरे से ज्यादा स्मार्ट है? हाँ। तेरे से ज्यादा पतला है? हाँ। उसका तेरे से बड़ा है? हाँ। तभी तो गई है पिंकी। साले चोर चोरी खुद करता है और इल्जाम लगाता है बिल्लू सांडा पे, CCTV कैमरे में तेरी फुटेज आई है। हरामजादे मेरे पति के बारे में मेरे अंदर जहर घोला, वो 2 बच्चे उसके लिए तेरे हैं। माजिद बवासीर तेरे को खुद को है, इल्जाम तू दूसरे में पोतता है, तुझे तो भैंस और कुत्ते का इंजेक्शन मिक्स करके लगाऊंगा। फिर तो छोटा भी तेरा ही होगा, मेरा तो बड़ा है। मारो साले को।
पास्ता पास्ता देखो क्या हाल है भाई के भाई इतनी सेक्सी कटिंग भाई महंगी लग रही है बट 5,000 की करवाई है 5,000 साले चिंदी पे पैसे कहाँ से आए इतने बिनोमो ऐप से बिनोमो ऐप अभी ये क्या है बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में ट्रेड करना होता है जैसे गोल्ड फॉरेन करेंसी यूरो डॉलर एक्सेट्रा बट इसमें करना क्या होता है भाई बहुत सिंपल है एसेट सिलेक्ट करना होता है उसके बाद ये करना होता है कि फोरकास्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मैं तेरे को करके दिखाता हूँ ये देख अब मेरे को लग रहा है कि ये फोरकास्ट ऊपर जाएगा तो मैंने 700 रुपए से अप पे ट्रेड कर दिया अब वेट कर Yes, मेरा फोरकास्ट एकदम करेक्ट निकला भाई ये अमाउंट तो इजीली अपने बैंक अकाउंट में पेटीएम के अंदर विड्रॉ कर सकता है 24 घंटे के अंदर पर ध्यान से लॉस भी हो सकता है अच्छा मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 350 रुपए है और अगर तू मेरा प्रोमो कोड यूज करता है तो 350 का डबल हो जाएगा यानी 700 रुपए हो जाएगा तो अभी डाउनलोड कर बिनोमो ऐप लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करता है ना तो तेरे को 65,000 रुपीज मिलेंगे डेमो अकाउंट में ट्रेनिंग करने के लिए अभी जाके डाउनलोड करता हूँ कटिंग करवाएगा आजा सावन में लग गई आग दिल उस्ताजी बाल काट दो यार रात तो नहीं हो पाएगा क्यों यार ये देख लड़का आ रखा है लड़के ने रात को दूल्हा बनना है घोड़ी चढ़ना है तो आज तो इसको तैयार कर रहा हूँ तू कल आना चलो मैं कल आता हूँ उस्ताजी आज तो काट दो बाल अरे यार तू तो गलत टाइम पे आ गया अरे अब क्या हुआ अभी अभी आके मैडम बैठी है मैडम ने कर्ल्स कराने हैं हेड वॉश कराने हैं मैनीक्योर करना है पेडीक्योर करना है मेकअप भी करना है आज तो भाई बहुत बिजी हूँ तू एक काम कर 2 दिन बाद आ 2 दिन बाद पूरा फ्री हूँ 2 दिन बाद आऊंगा बता रहा हूँ मैं उस्ताद जी अब तो दोनों जाके बाल बढ़ गए अब तो काट दो अरे यार अरे अब क्या हुआ यार इसकी बहन की शादी है और एक बार इसकी शक्ल देख सुअर जैसी अगर इसको मैंने तैयार नहीं करा ना इसकी बहन का रिश्ता टूट जाएगा तू एक काम कर 4 दिन बाद आ 4 दिन बाद वैसे मेरी छुट्टी होती है और सिर्फ तेल ले आऊंगा सिर्फ तेल ले कटिंग शेव जो मर्जी कराइयो जहाँ मर्जी की ठीक है 4 दिन बाद आ 4 दिन बाद अगर नहीं किया ना फिर देख लेना आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा आज बाल कटवा के ही जाऊंगा मैं अपने अरे यार तेरे लिए तो आया हूँ आज मैं तेरे ही बाल काटूंगा पर एक काम कर बाल बहुत रफ हो रहे हैं हेड वॉश करा ले उस्ताद अभी हेड वॉश करवा के आ रहा हूँ यहीं रहियो राजू इसका हेड वॉश करियो भैया उस दिन सही से कलर नहीं किया आपने आ जाओ मैम आप कर देता हूँ आओ बैठो मैं आ गया तू 5 मिनट रुक मैम का ये कलर करना है तू यार कल ही आई हो ठीक है सात गेंडे तेरी ऐसी की तैसी साले रोज गोली दे रहा है कैंची दे मेरे को मैं खुद ही काट लूंगा अपने बाल भरा उठिया से चल बेटा फटाफट तेरी ना कटिंग करा के लाती हूँ ठीक है भैया फटाफट कटिंग कर दो इसकी मैडम बस 15 मिनट वेट कीजिए अभी करता हूँ अरे भैया 15 मिनट का टाइम नहीं है कल मुझे इसको स्कूल भी छोड़ना है अरे बस सर की शेव करो हम 10 मिनट बैठिए करता हूँ अरे भैया इसको ट्यूशन भी लेके जाना है मुझे क्यों नहीं समझ रहे आप मेरे पास नहीं है इतना टाइम बस 10 मिनट वेट कर लीजिए बस अरे आप मेरी मुसीबत समझिए इसका ट्यूशन टीचर प्रदीप जो है ना बहुत बहुत ज्यादा डेंजर है मैडम प्रदीप और संदीप मुझे नहीं पता मेरे को शेव करनी चाहिए 10 मिनट मांग रहा हूँ आपसे भाई साहब आप क्यों नहीं समझ रहे इतना ज्यादा डेंजर और कसाई आदमी हरामी आदमी है ना मेरे बेटे को मार मार के कमजोर कर दिए देखो वो कसाई है तो मैं ना ही हूँ मुझे शेव करनी चाहिए 10 मिनट वेट करिए पूरे मोहल्ले में फेमस है वो बच्चों को इतना मारता है बहुत मारता है मैं कहा वेला बैठो मेरे पे भी टाइम नहीं 10 मिनट वेट कीजिए कटिंग तो नहीं हो सकती मैडम क्यों नहीं हो सकती कटिंग प्रदीप सर आप लोग कैसे आ गए चलती फिर तो हिप्पो मैंने तेरे बेटे को कब मारा देखिए अभी तो मार दिया अरे कब मारा ये बता फिर से मार दिया आपने पूरे मोहल्ले में मेरे को बदनाम करती फिर रही है कब मारा मैंने इसको बता आपको मैं अरे तू चुप कर साले आप देखिए बदतमीजी कर रहे हैं बदतमीजी करी क्या करी सर शेव करा लीजिए आप मेरे पे हाथ उठा रहे हैं अबला नारी पे हाथ उठा रहे हैं तू मरता है मर्द मोटी मेरे को बदनाम कर रही है साले चल बेटा तू फटाफट चल निकल यहां से अरे सर शेव कर लीजिए ना तेरी मां शेव की आंख ए टोनी कसला था हम लसरे वाजों की हेलो गाइस वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लगेगी क्यों नहीं लगेगी यार मेरे साथ भी ऐसा होता है आपके साथ भी ऐसा होता है हम नाई की दुकान पे जाते हैं हम सबके साथ ऐसा होता है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ कि फेवरेट पार्ट कौन सा था एंड सबसे ज्यादा हंसी कौन से पार्ट में आई है एंड गाइस विनू मैप को डाउनलोड कर लो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जस्ट पुरु मेरा पेज है यहां कहीं पे आ रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाल बटन दबा दो घंटा है उसको भी प्रेस कर दो प्यार आपका मैं ना टीम जस्ट पुरु की लव यू